नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड का देखिए, अब थोड़ा सा कार्ड्स का मैं आपको बता दूं कि जनरली कार्ड्स जो हैं रेड कलर और ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और रेड कलर के जो कार्ड्स हैं उनमें दो पार्ट, हार्ट्स एंड डायमंड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। और ब्लैक कलर के कार्ड में आपका स्पेड एंड आपका क्लब, स्पेड एंड क्लब, ये सारे ही 13-13 होते हैं। इसमें आपका एक का मैं लिख रहा हूं, KQJ10987654 3 2 और A, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 13 रहते हैं, हर एक का 13। तो अब आपसे पूछ रहा है किंग ऑफ रेड कलर, तो इसका किंग है और इसका भी किंग रहा होगा, तो दो किंग हो गए ना, दो किंग, दो हो गए अपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं होंगे, 52, तो ये कितना आ गया, 1/26। तो पहले का आंसर कितना आ गया, 1/26। अब फेस कार्ड देखिए, अब फेस कार्ड क्या क्या होते हैं, तो के क्यू जे को हम फेस कार्ड कहते हैं। तो हार्ट्स के तीन, ऐसे ही इनके भी तीन, इनके भी तीन और इनके भी तीन, तो ये आपके फेस कार्ड्स हो गए। तो टोटल आपके कितने हो गए, 9 + 3 = 12, 12/52 दैट इज इक्वल टू 6/26 दैट इज इक्वल टू 3/13 दैट इज इक्वल टू 3/13। अ रेड फेस कार्ड, अब रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 3 यहां से और 3 यहां से, 6, तो 6/52 दैट इज 3/26 थर्ड। फोर्थ देखिए, फोर्थ का क्या है, द जैक ऑफ हार्ट्स, तो जैक ऑफ हार्ट्स मतलब एक ही है, द जैक ऑफ हार्ट्स मींस 1/52। फिफ्थ स्पेड, स्पेड कितना है, टोटल स्पेड जो है 13 है, सो 13/52 दैट इज इक्वल टू 1/4। अ क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो क्वीन ऑफ डायमंड भी कितनी होंगी, एक ही होंगी, सो 1/52। तो इस तरह से आपका सारा ही पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का।